नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम से बना स्मारक गायब, परिजन मर्माहत। देश की रक्षा के लिए अपनी जान को निशावर करने वाले शहीद को कहां पता था कि उनके नाम पर सरकार द्वारा धन को जिम्मेदार लोग खानपूर्ति करके हजम कर जाएंगे। भले ही शहीद के परिजन नेता और अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई खास असर नहीं दिख रहा है। अब तो लोक निर्माण विभाग ने बाकायदा एक पत्र भी शहीद के पिता को थमा दिया, जिसमें न्यायालय के आदेश का हवाला देकर शहीद के नाम पर स्मारक न बन पाने की बात भी बता दी। कानपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरा खास निवासी अशोक उपाध्याय के छोटे पुत्र सुलभ उपाध्याय, जो 2013 में सेना में भर्ती हुए और अपने कार्यों से शीघ्र ही प्रोन्नत होकर एसटीएफ में शामिल हो गए। 2017 बीजपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ में सुलभ उपाध्याय शहीद हो गए और तत्कालीन सांसद वीरेंद्र सिंह के प्रयास से शासन ने शहीद के नाम पर चौराहे पर स्मारक के लिए 19 लाख से अधिक की राशि अवमुक्त की, लेकिन वह धनराशि भी भ्रष्टाचार की चढ़ गई और केवल खानपूर्ति करके शहीद नाम का स्मारक ज्ञानपुर के हॉस्टल चौराहा पर बना, जो जल्द ही टूट गया। प्रशासन ने टूटे स्मारक को सही कराने की जगह मलवा हटवाकर अपने कार्यों से पल्ला झाड़ लिया। प्रशासन के इस कार्य से शहीद के पिता अशोक उपाध्याय काफी मर्माहत हैं और स्मारक बनते ही हमें भ्रष्टाचार होने की बात कही। शहीद के पिता ने कहा कि स्मारक टूटने के बाद में अधिकारियों से मिला और अधिकारियों की तरफ से स्मारक बनाने का आश्वासन मिलता रहा। फिर एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि कोर्ट के आदेश की वजह से चौराहों पर स्मारक नहीं बन पाएगा। शहीद के पिता ने सवाल उठाया कि जब कोर्ट का आदेश था तो हॉस्टल चौराहा पर स्मारक बनाया गया और बनने के बाद जब टूट गया तो अब कोर्ट की बात कही जा रही है। जब स्मारक नहीं बनना था तो शहीद का इतना बड़ा अपमान क्यों किया गया? पहले ही ये बात सोचनी चाहिए कि कोर्ट का ये आदेश है, इस बात को लेकर मुझे काफी कष्ट है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहीद के पिता ने स्मारक में बनाने में हुए भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि बेशक इस निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ रुपए लगाकर केवल खानपूर्ति की गई है, जिससे ये इतना कमजोर बना और शीघ्र ही टूट गया। बताया जा रहा है कि जब शहीद स्मारक का निर्माण हो रहा था तब उन्होंने डाली बालू को लेकर एक्सेन से बात की थी। उन्होंने कहा कि जो बन रहा है बनने दीजिए। शहीद के पिता अशोक उपाध्याय ने स्मारक निर्माण में भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत लिखी, जिससे लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के लोग नाराज हो गए। कहा कि जब इसी तरह एक शहीद का अपमान करना था तो मुख्यमंत्री को घोषणा ही नहीं करनी चाहिए थी और स्मारक टूटने के बाद प्रशासन के लोग हमेशा हमें अंधेरे में रखे रहे और अब कोर्ट का हवाला देकर स्मारक ना बनने की बात कह रहे हैं। शहीद के पिता अशोक उपाध्याय ने कहा कि हॉस्टल चौराहे के नाम को शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम करने की घोषणा की गई, लेकिन ना प्रशासन की तरफ से कोई बोर्ड लगा ना ही कहीं लिखा गया, जिससे चौराहे पर आने जाने वाले लोग कम से कम शहीद का नाम जानते और परिजनों को भी इसका एहसास होता। शहीद के पिता ने बताया कि जिस दिन शहीद सुलभ उपाध्याय के स्मारक का उद्घाटन था, उस दिन मैंने अपने खर्च से शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहा के नाम का स्टिकर बनवाकर लगवाया, लेकिन प्रशासन के लोग इतना भी ना कर सके। शहीद के पिता ने मांग की कि यदि कोर्ट का आदेश है कि चौराहा पर स्मारक ना बन सकेगा तो रहने दे, बल्कि चौराहे के आसपास खाली जमीन पर ही एक स्मारक बना दे, जिससे शहीद का सम्मान भी हो जाए। सांसद रमेश बिंद के बारे में बताया कि आज तक सांसद ने हालचाल जानने तक ना आए और ना ही कहीं मिले। शहीद के पिता ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उनके पुत्र शहीद सुलभ उपाध्याय के नाम का स्मारक बनवाएं, जिससे देश के शहीदों का सम्मान हो सके, क्योंकि शहीद के नाम पर स्मारक बना और फिर टूट गया और अब बनने को लेकर प्रशासन के लोग कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिससे परिजन काफी मर्माहत हैं। एक शहीद स्मारक बन जाता ना, चौराहे पर बगल में ही जगह है, वहाँ पर थोड़ा मीटर दो मीटर आगे पीछे भी बन जाता जगह है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा यही निवेदन है कि गुजारिश है कि अगर वहाँ बन जाता तो एक शहीद का अपमान न होता, शहीद परिवार को एक सम्मान मिलता, नहीं बहुत बड़ा अपमान शहीद का होगा। अगर इस ढंग से बनना था तो घोषणा ही नहीं करना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जब कि यहाँ बनेगा और टूटेगा और हटेगा, यहाँ से हट करके सब मलवा चला जाएगा और एक स्मारक का नाम होकर के एक शहीद का अपमान होगा। आज तक सांसद हमारे जो हुए हैं वो कभी दरवाजे पर न मिले, न कहीं हमसे उनसे मुलाकात हुई, न इस बारे में कोई चर्चा किए कि ये हॉस्टल चौराहे शहीद सुलभ उपाध्याय चौराहे पर स्मारक बनेगा कि नहीं बनेगा। दीनानाथ भास्कर गए थे जिलाधिकारी को पत्रक देकर, हमसे कहे कि हम दे दिए पत्रक, वहाँ स्मारक बनेगा।